हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद डोरिंस रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी बोल फिश करी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यामी है। आप लोग ज़रूर घर में बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसके लिए मैंने पहले ली है 2 पीस बोल फिश, और मैं अब पहले इन 2 पीसों में थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। ये देखिए, थोड़ा मैंने नींबू का रस डाल लिया है। और अब मैं डालूंगी थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया है। मैंने बोल मछली को अच्छी तरह से नमक, हल्दी और नींबू के रस से मैरिनेट करके मैं 10 मिनट तक अब रख दूंगी। और अब मैं मसाला पीस लूंगी। मसाला में मैंने ली है 2 पीस लहसुन का दाना, थोड़ा सा मैंने ली है जीरा, और मैंने 4-5 ली है काली मिर्च, और 2 मैंने ली है लाल सूखी मिर्च। ये अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी में मिलाऊँगी और मिक्सी में मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने मसाला को मिक्सी में पीस लिया है। और अब मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज ली है और एक मैंने टोमेटो लिया है। ये 2 मैं फिर से मिक्सी में पीस लूँगी। गैस मैंने ऑन कर लिया है और मैंने पैन सरा कर और ऑयल भी मैंने गरम कर लिया है। और मैंने ऑयल सरसों की ऑयल ली है। और अब मैं थोड़ा सा काला जीरा डाल रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। और अब मैं डाल रही हूँ प्याज और टोमेटो, मैंने पीस लिया था और वो मैं अब डाल रही हूँ। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और ऑन करके मैंने पैन को सरा कर तेल मैंने गरम कर लिया है। और मैंने तेल सरसों की ऑयल ली है और मैंने तेल में थोड़ा सा काला जीरा डाला था, ये देखिए। और अब मैं डाल रही हूँ प्याज और टोमेटो, मैंने पीस लिया था वो मैं डाल दिया हूँ, और थोड़ा सा पानी भी मैं अब डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से मैं अब इसको भूनूँगी। प्याज की कच्चापन दूर होने तक मैं इसे भूनते रहूँगी। मैंने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मैं मिलाऊंगी जो मैंने पीस लिया था लहसुन, सूखी मिर्ची और ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने काले मिर्च भी लिया था 4-5, और वो मैं अब डालूँगी। आप मीडियम आंच में ही मसाला को भूनते रहिए। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, और मैंने 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर ली है, वो भी मैं डाल रही हूँ। और अब मैं अच्छी तरह से मसाला को भूनूंगी। मीडियम आंच में ही आप गैस की फ्लेम को रखिए। मैं अब 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और मैं अब ढक्कन उतार के देखूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, और ये देखिए मसाला तेल को भी सोख रही है। मसाला अच्छी तरह से भून चुकी है, ये देखिए।
मैं एक तेज़पत्ता भी अब दो टुकड़े करके डाल रही हूँ। और अब मैं मसाला में डालूँगी बोल्ड फिश। फिर से मैं एक दो मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से फिश में आ जाए। ये देखिए, और अब मैं मछली को पलट दूंगी ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। बोल फिश को बंगाल में कहते हैं बोवाल मास और असमिस में कहते हैं बोराली मास। ये बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर घर में बनाकर खाइए और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। देखिए, मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से मछली को पका लिया है। ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ दो हरे मिर्च और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। अच्छी तरह से अब मैं मिला लूँगी। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, आप जितना पतला और जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पानी डालिए। मैं ज़्यादा पतला भी नहीं करूंगी और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा मैं अब उबाल लूँगी। दो मिनट के लिए फिर से मैं ढक्कन लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से उबाल आ जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये उबाल आ गया है और मैं लास्ट में डालूँगी कटी हुई बारीक से कटी हुई हरा धनिया। ये देखिए, हमारे बॉयल फिश करी तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़े की है, आप लोग ज़रूर घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाऊँगी। ये देखिए, बोल फिश करी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर घर में बनाकर खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। और आप लोग ये फिश मेरे तरीके से बना कर खाइए, बहुत ही मज़े की ये बनती है। आप लोग राइस के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू।